हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। हाँ जी, स्वागत है आपका बायजूस एग्जाम प्रेप में। वॉइस, वीडियो, पीपीटी, एवरीथिंग फाइन। हाँ जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। यस प्लीज। हाँ जी, आ गया सुनीता, आ गया। क्लास स्टार्ट नहीं हुई है अभी तक। क्लास स्टार्ट हो चुकी है, एक बार चेक करेंगे प्लीज़। हाँ जी, सुनीता, अजय, कंचन, इंदु, पारस, प्रियंका, एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। हाँ जी, ऑडिबल? और सब बढ़िया? कुछ डाउट वगैरह है तुम्हारा? कुछ डाउट वगैरह है? स्टार्ट करें क्लास को और तुम्हारे साथ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर के। और अब तुम्हें प्रीवियस ईयर का धीरे धीरे लेवल भी पता लगेगा और जो तुम्हारी प्रिपरेशन है वो भी पता लगेगा। तो अल्टीमेटली आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस का लेवल इजी लगता जाएगा। और थोड़ा सा एक लेवल अप तैयार करेंगे तो ऑब्वियसली नेट के क्वेश्चंस आपको इजी ही लगेंगे। तो थोड़ा सा आप जो है कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस जब कर लेंगे तो नेट का एग्जाम आपको कंपैरेटिवली इजी लगने लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। ज्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कौन से पर्टिकुलर ईयर में हमारे पास ये क्वेश्चंस जो हैं वो बेसिकली आए हुए हैं। कोई डाउट वगैरह होगा तो प्लीज साथ के साथ जरूर पूछिएगा, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर वन आपके पास है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। शायद 1 वीक लगेगा पारस कॉनिका मैम को। CFO रेशियो क्या होता है? CFO फुल फॉर्म लिखें कशिश। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर सिंपल, मेरे हिसाब से आपको 20 सेकंड से ज्यादा लगने नहीं चाहिए। और अगर आप इस क्वेश्चन में पेन उठा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी प्रैक्टिस जो है वो पूरी नहीं है। देखें फटाफट। स्टॉक टर्नओवर रेशियो दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है और आपका 25% अबव कॉस्ट है। आपको बताना है अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। अब अगर आप एग्जाम में इस क्वेश्चन के अप्रोच रखें तो आपको क्या अप्रोच रखनी चाहिए? अगर हम इस क्वेश्चन की एग्जाम में अप्रोच रखें तो आइडली आपको जो है बेसिकली जो पेन पेपर है वो आपको अवॉइड करना चाहिए। स्टॉक टर्नओवर रेशियो हमारे पास सिंपल है, COGS डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा? यहां से आपके पास COGS आ जाएगा, मतलब वो गुड्स जो आपने बेचे उनकी लागत कितनी, तो वो आपके पास निकल के आ जाएगा, दैट इज 48,000। स्टॉक टर्नओवर रेशियो 6 है, COGS हमें निकालना है और एवरेज स्टॉक आपको दे रखा है 8,000। तो आपके पास COGS आ गया कितना? 48,000। इस पर आपने मुनाफा कमाया है 25%, अबव कॉस्ट लिखा है। तो 48,000 का 25%, 9600 प्लस 2400, ये आपका निकल के आएगा कितना? 12,000 रुपए। क्लियर होता है? हाँ जी, इज इट क्लियर? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आंसर है हमारा डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, HR। हमने कॉस्ट ऑलरेडी इंकर्ड कर दी है, कहां पर? रिक्रूटमेंट पर, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट पर। तो आप इस कॉस्ट पर बेसिकली जब आप वैल्यू ऑफ एम्प्लॉय निकालेंगे तो आप किस तरीके से निकालेंगे? रिप्लेसमेंट कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, नन ऑफ दी अबव, ये सब क्या है? HR अकाउंटिंग के मॉडल है। ये सब आपके पास HR अकाउंटिंग के मेथड है।
कॉस्ट ऑलरेडी इंकर्ड है, तो पास्ट की कॉस्ट जो हमने इंकर्ड की है उसे कंसीडर करेंगे। मतलब हम बात कर रहे हैं किसकी, हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच की। रिप्लेसमेंट कॉस्ट अप्रोच में जो पर्टिकुलर एम्प्लॉय हम रिप्लेस कर रहे हैं उसको रिप्लेस करने की जो कॉस्ट होगी हम वो कंसीडर करेंगे, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में जो एम्प्लॉय हमने हायर नहीं करे या जो हमने टेक्निक्स अडॉप्ट नहीं करी उसके बजाय कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव हमने अडॉप्ट करा उसे कंसीडर करेंगे, तो वो आपके पास बनता है क्या, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो यहां कॉस्ट ऑलरेडी इंकर्ड है तो ये आपके पास बन जाएगा, दैट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच। मिला आंसर किसी को? हाँ जी, एनीवन हु गॉट द आंसर? When a business is purchased, any amount paid in excess of the total of the asset minus liability. मतलब मान लीजिए किसी बिजनेस में आपके पास एसेट्स हैं 60,000 और हमारे बिजनेस में लाइबिलिटीज हैं। बिजनेस इज परचेज एनी अमाउंट इन पेड इन एक्सेस ऑफ द टोटल एसेट माइनस टोटल लाइबिलिटी। मतलब आपके पास लाइबिलिटीज मान लीजिए आ रही हैं हमारे पास 40,000, हमें पे करने चाहिए थे 20,000, ये आपके पास वैल्यू है, लेकिन हमने पे करे 30,000, तो बताओ ये प्रॉफिट है या लॉस? पे करने चाहिए थे 20,000, हमने पे करे 30,000, तो यहां पर यही लैंग्वेज हो गई। एनी अमाउंट पेड इन एक्सेस ऑफ दी टोटल ऑफ एसेट 60,000 माइनस लाइबिलिटीज टेकन 40,000, 20,000 पे करने थे लेकिन उसके एक्सेस में हमने 30,000 पे करे, तो हमने एक्सेस में कितने पे करे, 10,000। ये हमारा प्रॉफिट है या लॉस है? इज इट प्रॉफिट और लॉस? हाँ जी, 20,000 पे करने थे, हमने 30,000 पे करे, प्रॉफिट और लॉस, ये हमारा क्या है, लॉस। और इस लॉस को हम क्या नाम देते हैं, गुडविल। क्यों? क्योंकि हम ये नहीं कहेंगे हमने लॉस किया है, हम ये कहेंगे जब हमने बिजनेस को टेक ओवर करा है तो हमने उस बिजनेस की गुडविल को परचेज करा है। अगर हमने कम अमाउंट दिया होता तो ये आपका बनता कैपिटल रिजर्व, तो इस सिनेरियो में ये आपका बनेगा गुडविल। ठीक, सो दैट इज अ कंसीडर्ड एज अ लॉस फॉर द बिजनेस। कोई डाउट होगा तो प्लीज पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पढ़े ध्यान से सवाल को। सर कैपिटल एम्प्लॉयड कब कंसीडर करेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड तो वो होता है पारस जो हमारे बिजनेस में अमाउंट इन्वेस्टेड है, सम टोटल ऑफ इक्विटी प्लस प्रेफरेंस प्लस रिजर्व एंड सरप्लस जो बिजनेस में है वो कैपिटल एम्प्लॉयड है। ठीक है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड हम टेक ओवर के केस में कंसीडर नहीं करते। कंसीडर कर सकते हैं कि कैपिटल एम्प्लॉयड 50 लाख है तो हम तुम्हें 50 लाख देंगे, बट उस केस में एक्विजिशन करते वक्त ना तो प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस होगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो प्रॉफिट या लॉस तभी होगा जब आपके पास एक्सेस अमाउंट होगा तो गुडविल, और लेस अमाउंट पेड होगा तो कैपिटल रिजर्व। ऑलरेडी मेरे पास काफी सही आंसर आ चुके हैं, एक बार हिंदी मीडियम वाले बच्चे देखेंगे ध्यान से।
हाँ जी, देखें इधर, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अ फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। बिल्कुल, जब आप एनालिसिस नहीं करेंगे, इंटरप्रिटेशन नहीं करेंगे, तो अकाउंटिंग करी क्यों? ये तो हमारा पर्पस है ही है। प्रॉफिट एंड लॉस हम कैलकुलेट करते हैं फाइनेंशियल पोजीशन डिटरमाइन करने के लिए। फाइनेंशियल पोजीशन डिटरमाइन करने के लिए हम बैलेंस शीट बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के लिए या फिर प्रॉफिट कॉम्पुटेशन के लिए। हमें प्रॉफिट है या लॉस है एक पर्टिकुलर पीरियड में, इसके लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करते हैं। गुडविल इज अ वेस्टिंग एसेट। क्या गुडविल वेस्टिंग एसेट है? हमने किसी को गुडविल के बदले पैसा दिया, क्या वो वेस्ट है? नहीं, ये आने वाला पोटेंशियल बेनिफिट है। इट इज नॉट अ वेस्टिंग एसेट। मतलब ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट। बैलेंस शीट हम प्रिपेयर करते हैं, ये हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया, तो आंसर आ जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ए एंड डी जो है वो आपके करेक्ट है और बाकी इनकरेक्ट है। ठीक, बी और सी कैंसिल हो जाएंगे। यस, वेरी ट्रू। हाँ जी, फटाफट से मैच करेंगे डेटर्स टर्नओवर रेशियो, प्रोप्राइटरी टर्नओवर रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो। मुझे नहीं लगता इसमें आपको ज्यादा टाइम लगना चाहिए। देनदार आवर्त अनुपात, स्वाम्य अनुपात, परिचालन अनुपात, तत्काल अनुपात। हाँ जी, कोई दिक्कत? डेटा टर्नओवर रेशियो क्या है? एक्टिविटी रेशियोस। जितनी भी टर्नओवर रेशियोस है वो एक्टिविटी रेशियो है। टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, और आपके पास क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, या फिर आपके पास फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, और आपके पास एसेट टेस्ट रेशियो जो है वो लिक्विडिटी रेशियो है कि हमारे पास सफिशियंट कैश पेमेंट के लिए है या नहीं है। प्रोप्राइटरी रेशियो सॉल्वेंसी रेशियो है। और कौन कौन सी सॉल्वेंसी रेशियोज में आएंगी? डेट इक्विटी रेशियो आपके पास सॉल्वेंसी रेशियो का पार्ट है कि हम डेट का अमाउंट टाइम पे रीपे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और ऑपरेटिंग रेशियो हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है। ऑपरेटिंग रेशियो अगर कम होगा तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो ज्यादा होगा। ऑपरेटिंग रेशियो ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइड बाय सेल्स, और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स। तो आंसर आपके पास क्या बनेगा भाई? बी का है वन, बी का वन एक ही ऑप्शन है। इज इट ट्रू? ए का है थर्ड, बी का वन, सी का फोर। सी का फोर, आंसर इज सी। क्लियर होती है बात? किसी रेशियो में कोई प्रॉब्लम किसी को? डी से हो गया, डी से। अच्छा, डी का सेकंड है तो वहीं से हो जाएगा, डी से भी हो जाएगा, सी से भी हो जाएगा। खैर, एग्जामिनर ने ऑप्शंस जो है वो सही तरीके से दे दिए थे ताकि आपका क्वेश्चन इजीली सॉर्ट आउट हो जाए। क्वेश्चन नंबर सिक्स, कैलकुलेशन करेंगे फटाफट। हाँ जी, लिक्विड रेशियो 2:1, लिक्विड रेशियो 2:1। लिक्विड रेशियो क्या है? सीए माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। और लिक्विड रेशियो दिया है 2। करंट एसेट्स हमें नहीं पता, करंट रेशियो हमें पता है। करंट रेशियो आपके पास क्या है? करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। और
आपको स्टॉक दिया है 40,000, करंट लाइबिलिटीज हमें निकालनी है, तो यहां से आपके पास करंट लाइबिलिटीज यहां से निकल आएंगी। अगर हम बात करें लिक्विड रेशियो की तो ये दिया है आपको 2:1 और स्टॉक हमें दे रखा है कितना 40,000। तो करंट एसेट्स माइनस 40,000 और करंट लाइबिलिटीज आपको दे रखे कितनी 1 लाख। तो यहां से करंट एसेट्स आ जाएंगी, करंट एसेट्स आपके पास यहां से निकल के आ जाएंगी 2 लाख माइनस 40,000, 1,60,000। और करंट रेशियो हमें निकालना है, करंट एसेट्स 1,60,000 और ये मैंने कहां गलती करी, मेरा तो 1.6 आ रहा है, 1.6 तो है नहीं, लिक्विड रेशियो 2:1, करंट रेशियो हमारे पास नहीं है, करंट लाइबिलिटीज दी है 1 लाख, 2,40,000। अच्छा, मैंने माइनस की जगह प्लस कर दिया, कहां कहां से तुम एरर निकाल रहे हो मेरी, ये 2,40,000 होगा, कह रहे हैं 1,60,000, जब ये इधर आएगा तो प्लस नहीं हो जाएगा, 1 लाख इंटू टू 2 लाख प्लस 40,000, माइनस कर रहे हैं 40,000 को। अब बताओ जल्दबाजी में ये तुम्हारा बेसिक क्वेश्चन भी गलत है। अब प्लस माइनस तुम्हें देखना पड़ेगा, 2,40,000 डिवाइड बाय 1 लाख, फिर कह रहे हो ऑप्शन में नहीं है, वो तो शुक्र करो एग्जामिनर का कि एग्जामिनर ने तुम्हें 1.6 दिया नहीं, तुम्हें अगर 1.6 दिया होता तुम तो टिक करते और आगे चलते, समझ में आई बात। हाँ वही तो मैं कह रहा हूं, 40,000 प्लस होगा, पहले कह रहे 40,000 माइनस होगा, भला वो एग्जामिनर का जिसने 1.6 ऑप्शन में नहीं दिया, नहीं तो एग्जामिनर के ये 1.6 देने से आधे बच्चों का तो वैसे ही गलत हो जाता। कमाल करते हैं, प्लस को माइनस कर रहे हैं। खैर चलिए आगे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे ध्यान से। ईडीआई सिस्टम गॉट लीगल रिकग्निशन अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट। ईडीआई सिस्टम समझ गए, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज सिस्टम, ये एनेबल करता है दो बिजनेस एंटरप्राइज को डॉक्यूमेंटेशन ऑनलाइन एक्सचेंज करना विदाउट एनी फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन। तो ये आपके पास बेसिकली लीगली रिकग्नाइज है, मतलब वो डॉक्यूमेंटेशन अगर हम कोर्ट में प्रेजेंट करेंगे कंप्यूटराइज फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में, तो उसे एविडेंस माना जाएगा। मींस जरूरी नहीं है कि जो फिजिकल फॉर्म में वही एविडेंस है, जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वो भी एविडेंस है। और ये किसने माना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अंडर, आईटी एक्ट 2000 में ये आपके पास पर्टिकुलरली एविडेंस माना जाएगा, ध्यान रखना। ठीक, आवाज नहीं आ रही मेरे ख्याल से, तो आवाज बिल्कुल फाइन है। हाँ जी, आवाज में किसी को कोई दिक्कत, अब मुझे नहीं लगता इसके आंसर में किसी को कोई डाउट होना चाहिए। वॉइस फाइन है। हाँ जी, डिविडेंड रेलेवेंट नहीं है इन द वैल्यू ऑफ द कंपनी, चाहे कंपनी डिविडेंड दे चाहे ना दे, कंपनी की वैल्यू रहेगी कांस्टेंट, ऐसा ओपिनियन किसने दिया, इररेलेवेंट मोदी गिलानी मिलर अप्रोच, एज़रा सोलोमन ट्रेडिशनल अप्रोच। अगर आपको याद हो तो यहां पर हम ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर डिटरमाइन करते हैं, गॉर्डन मॉडल जो कि बर्ड इन हैंड आर्गुमेंट आया था, और वॉल्टर मॉडल
जहां पर हमने बात करी थी कि कंपनी को डिविडेंड देना है या नहीं देना। एज पर दी एमएम अप्रोच, आपके पास जो डिविडेंड है वो क्या है? दैट इज इररिलेवेंट। आंसर इज सी। फाइनेंशियल लीवरेज इज मेजर्ड बाय। हाँ जी, फाइनेंशियल लीवरेज। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ऐसे क्वेश्चन अब नहीं आते, ऐसा आपको लग रहा होगा ना, ऐसे सवाल अब नहीं आते, 2015-16 में आते थे। 2022 का पेपर उठाकर देखना, वहां पर भी आपको तीन चार सवाल ऐसे जरूर मिलेंगे जो बेसिक होंगे। तो ये मत सोचना कि ये सवाल पहले आते थे अब नहीं आते। फर्क इतना है कि आपने जो चैप्टर अच्छे से कर लिया या आपके माइंड में जो वो आसान बन गया। तो ऐसे सवाल अब भी आते हैं, बट आप जिसको कंसेप्चुअली पढ़ लेंगे वो सवाल आपके लिए इजी हो जाएगा। तो ओएल एफएल सीएल ऑलरेडी आपने डिटेल में पढ़ रखा है। तो ऑपरेटिंग लीवरेज कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, फाइनेंशियल लीवरेज ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, ऑलरेडी आपने इंपैक्ट भी देख रखा है। हाँ शुक्र है, कह रहे हैं आते हैं, नहीं तो अभी तो आधे कहते कि ये तो 2015 तक आते थे, अभी नहीं आते। ये अभी भी आते हैं और बच्चे अभी भी मिस्टेक कर देते हैं ऐसे सवालों में। तो ध्यान से कंसेप्ट जरूर अपने क्लैरिफाई कर लेना। डिविडेंड इररिलेवेंस आर्गुमेंट ऑफ एमएम मॉडल इज बेस्ड ऑन। अब एमएम का जो डिविडेंड का इररिलेवेंस का मॉडल है वो किस पे बेस्ड है? वैसे मैं आपको बताऊं, यहां पर कोई भी ऑप्शन ठीक है नहीं। आइडियली ये क्वेश्चन गलत है। इस क्वेश्चन का सही आपके पास जो एक्सप्लेनेशन या ऑप्शन, मतलब सही जो होना चाहिए था वो होना चाहिए था अगर डिविडेंड से रिलेटेड है। तो यहां पर लिखना चाहिए था आपके पास, दैट इज डिविडेंड इररिलेवेंस आर्गुमेंट ऑफ एमएम मॉडल इज बेस्ड ऑन वेल्थ, क्योंकि शेयर होल्डर की वेल्थ सेम रहती है। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से ये डिविडेंड इररिलेवेंस नहीं है, ये कैपिटल स्ट्रक्चर है। कैपिटल स्ट्रक्चर इररिलेवेंस आर्गुमेंट मॉडल ऑफ एमएम इज बेस्ड ऑन आर्बिट्रेज। तो एज पर दी क्वेश्चन लैंग्वेज ये क्वेश्चन इनकरेक्ट है। लेकिन अब आपको ये पता है एमएम मॉडल जो है वो इररिलेवेंट है, उसमें आर्बिट्रेज प्रोसेस है। तो रादर देन कि आप क्वेश्चन को गलत बोले, बेटर है आप अपने सही ऑप्शन को चुने और आगे बढ़े। ऐसा आपको पेपर में भी देखने को मिल सकता है। लेकिन हाँ, कंसेप्चुअली क्वेश्चन की जो ये फ्रेमिंग है ये गलत है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। एमएम का मॉडल डिविडेंड इररिलेवेंस है बिकॉज शेयर होल्डर की वेल्थ कांस्टेंट रहती है, उसे डिविडेंड और कैपिटल गेन का सम टोटल उसके रिक्वायर्ड रिटर्न के इक्वल होता है, इसलिए एमएम मॉडल इररिलेवेंट है डिविडेंड का। कैपिटल स्ट्रक्चर में एमएम इररिलेवेंट है बिकॉज ऑफ द आर्बिट्रेज प्रोसेस। और आपसे बोला डिविडेंड है, आंसर आर्बिट्रेज दिया है, कुछ कर नहीं सकते। बट मैंने आपको लॉजिक बता दिया, क्वेश्चन की फ्रेमिंग गलत है। समझ पा रहे हैं फ्रेमिंग क्यों गलत है? हाँ, रोट लर्निंग, जिन बच्चों ने इसे आर्बिट्रेज करा उन्होंने बस मान रखा है एमएम इररिलेवेंट है और आर्बिट्रेज हमें पता है। लेकिन ये क्वेश्चन की फ्रेमिंग गलत है, ये मैं आपको बार बार कह रहा हूं। यहां पर आपके पास फ्रेमिंग कैपिटल स्ट्रक्चर होनी चाहिए थी, डिविडेंड के हिसाब से आंसर वेल्थ होना चाहिए था। हाँ पारस, वो तो ठीक है, ज्यादातर बच्चे आर्बिट्रेज ही करेंगे क्योंकि बच्चों ने रट रखा है। बट कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए मैं आपको बता दूं, इस सवाल की फ्रेमिंग ठीक नहीं है। जब आप एमएम मॉडल डिविडेंड का पढ़ेंगे तो वहां पर रीजन आपको यही मिलेगा, एमएम मॉडल इज इररिलेवेंट ड्यू टू द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर दैट रिमेन कॉन्स्टेंट बिकॉज शेयर होल्डर इज कंसर्न विद द एक्सपेक्टेड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न विच कैन बी फुलफिल्ड आइदर बाय द पेमेंट ऑफ डिविडेंड और ऑन द सेल ऑफ शेयर। तो शेयर होल्डर को अपनी टोटल रिटर्न से मतलब है, उसे चाहे शेयर को बेचकर मिले चाहे डिविडेंड से मिले, उसको टोटल वेल्थ से मतलब है, इसलिए डिविडेंड का एमएम का मॉडल इररिलेवेंट है। ठीक है,
हाँ कोई रास्ता नहीं है, बट यस आपको कंसेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए, कहने का पर्पस ये है। अब मान लीजिए क्वेश्चन इस तरीके से दे दे, डिविडेंड इररिलेवेंस आर्गुमेंट ऑफ एमएम मॉडल इज बेस्ड ऑन आर्बिट्रेज, इररिलेवेंस ऑफ वेल्थ, इश्यू ऑफ डिबेंचर, लिक्विडिटी। आप कहेंगे हमने तो आर्बिट्रेज पढ़ा है, वहां पर एग्जामिनर आपको ट्रैप कर गया। एमएम का जो मॉडल है डिविडेंड का वो इररिलेवेंट है बिकॉज ऑफ दी वेल्थ, क्योंकि वो सेम रहती है। तो अगर उसने दोनों ऑप्शन डाल दिए तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसलिए थोड़ा सा रटने से बचें, एग्जामिनर चाहे तो ट्रैप कर सकता है। बिल्कुल, तो कंसेप्चुअली चीजों को पढ़े। हाँ जी, लिस्ट को मैच करेंगे लिस्ट टू के साथ। एबीसी एनालिसिस ऑलवेज बेटर कंट्रोल इन्वेंट्री कंट्रोल, वॉल्टर मॉडल, डिविडेंड का मॉडल, कैपिटल राशनिंग, कैपिटल बजटिंग और एनओआई अप्रोच, अप्रोच ऑफ कैपिटल डैश। पता नहीं, खैर पता ही होगा आपको, इसमें कुछ टेक्निकल तो है नहीं, जो ऑप्शंस है गिवन उनको मैच ही करना है हमने। हाँ जी, हो गया मैच। एबीसी एनालिसिस इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक है, अभी तक तो कहीं है नहीं, वर्किंग कैपिटल दे रखा है, इन्वेंट्री से रिलेटेड तो ये मैच करना चाहिए। वॉल्टर मॉडल डिविडेंड का मॉडल है, कैपिटल राशनिंग जब आपके फंड्स फंड्स लिमिटेड है तो हम इसका यूज करते हैं अंडर कैपिटल बजटिंग। एनओआई अप्रोच कैपिटल स्ट्रक्चर की अप्रोच है। डी का थर्ड, ये लो जी बताओ, ऐसे ऐसे सवाल एग्जामिनर देता है, आंसर आ गया हमारे पास सी। चले आगे, कॉमर्स और मैनेजमेंट का नेट पेपर तो सेम नहीं है अदिति, पेपर अलग अलग आता है बट 70% 80% कंटेंट सेम है। जो हम आज के सवाल कर रहे हैं ये मैनेजमेंट के लिए भी रेलेवेंट है, इसमें टैक्स और लॉ नहीं है, तो ये कॉमर्स मैनेजमेंट दोनों के लिए है। लीजिए कैपिटल राशनिंग आ गया, कैपिटल राशनिंग कैपिटल बजटिंग में आपको क्या इंप्लाई करता है, व्हाट डस कैपिटल राशनिंग इंप्लाई इन कैपिटल बजटिंग। कैपिटल राशनिंग पता है क्या है, जब आपके पास जो फंड्स हैं वो लिमिटेड हैं, कैपिटल राशनिंग इज टू बी यूज्ड जब हमारे पास फंड्स लिमिटेड हैं। अगर फंड्स अनलिमिटेड हो तो हम तो सारे प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लेंगे जहां पर हमारे पास एनपीवी पॉजिटिव है, लेकिन अगर एनपीवी पॉजिटिव सब में फंड्स लिमिटेड है तो सबको नहीं एक्सेप्ट कर पाएंगे, तो कुछ प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे। कैपिटल राशनिंग रैंकिंग करता है कि किसे आप एक्सेप्ट करें और किसे ना करें। तो इस सिनेरियो में हमारे पास लिमिटिंग फंड्स किस तरीके से हम इन्वेस्ट करेंगे वो आपको बताता है कैपिटल राशनिंग। आंसर इज बी। कंबाइंड लीवरेज इज कैलकुलेटेड बाय ओएल प्लस एफएल। हमें पहले यहां देख लूं कितने बच्चों के आंसर ए हैं, इसमें ओएल और एफएल को ऐड करेंगे तो सीएल आ जाएगा, माइनस करने का तो पर्पस ही नहीं होता। हाँ मैं ढूंढ रहा हूं प्लस वाले और डिवाइड वाले कितने हैं। दिस इज द पार्ट, ठीक है ना, आपने ऑलरेडी पढ़ भी रखा है, दैट इज कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी ओएल है और ईबीआईटी अपॉन ईबीटी आपके पास एफएल है, तो आपके पास रिजल्ट क्या आता है, दैट इज ओएल इनटू एफएल। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। एक क्वेश्चन इनकम टैक्स का आ गया है, ये मैनेजमेंट के लिए नहीं है, ध्यान रखिएगा। एग्जेम्पशन पूछी है एग्रीकल्चर की, कौन से सेक्शन में, सब मल्टीप्लाई वाले हैं,
सबने रट रखा है फॉर्मूला, इसलिए सारे मल्टीप्लाई वाले हैं। हाँ जी, एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्पशन का ध्यान रखना, सेक्शन 10 है। तो आपके पास ग्रेच्युटी सेक्शन 10, पेंशन सेक्शन 10, लीव एनकैशमेंट सेक्शन 10, प्रोविडेंट फंड सेक्शन 10, हाउस रेंट अलाउंस सेक्शन 10, एग्रीकल्चर इनकम सेक्शन 10, स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेक्शन 10। सेक्शन 10 में बहुत सारी एग्जेम्पशन मिलेंगी। एग्रीकल्चर इनकम के लिए हम यूज करते हैं सेक्शन 10(1), जिसमें आपके पास एग्रीकल्चर इनकम इज टोटली एग्जेम्प्ट। तो सेक्शंस को याद कर ले, एएस की लिस्ट को याद कर ले, आईएफआरएस की लिस्ट को याद कर ले। एक क्वेश्चन फिक्स है, लॉ के सेक्शंस में कहता हूँ छोड़ दीजिए, बिकॉज वहां पर बहुत सारे सेक्शंस हैं। तो एक आधा क्वेश्चन वहां से आ जाए तो यू कैन स्किप, बट एटलीस्ट यहां से हमें पता है कहां से सवाल आने के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक, हाँ जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। टैक्स इवेजन, टैक्स की चोरी। चार टर्म है, टैक्स इवेजन, टैक्स प्लानिंग, टैक्स मैनेजमेंट, टैक्स अवॉइडेंस। मैच द फॉलोइंग अजर्शन रीजन और स्टेटमेंट और रीजन। जैसा आप क्वेश्चन देख रहे हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस आपके पास आते हैं इस टॉपिक से। एक क्वेश्चन एवरी टू अटेम्प्ट में आता है, सो इंपॉर्टेंट है, बट हर बार नहीं आता, बट यस आपको करना जरूर है। टैक्स इवेजन इज अंडरटेकन बाय एम्प्लॉय अनफेयर मीन्स। अनफेयर मीन्स मतलब जब आपने अपनी सेल्स को कम कर दिया, आपने अपने खर्चों को बढ़ा दिया, इन शॉर्ट आपने अपनी इनकम को घटा दिया, जिससे आपका टैक्स घट जाए, तो ये क्या है? ये इलीगल है, तो ये आपका कहलाता है टैक्स इवेजन, टैक्स की चोरी। तो ऐसा आप कब करते हैं? जब आप टैक्स की पेमेंट को अवॉइड कर रहे हैं इलीगल मीन से, धोखाधड़ी करके। तो ऐसे में पनिशमेंट का भी प्रावधान इनकम टैक्स एक्ट में है। तो आपके पास रीजन भी बिल्कुल करेक्ट है, दैट इज अजर्शन इज ऑल्सो करेक्ट, रीजन इज ऑल्सो करेक्ट, करेक्ट एक्सप्लेनेशन इज ऑल्सो देयर। हाँ जी, वॉट इज गेट हायरिंग? गेट हायरिंग का मतलब बताएं। हाँ जी, गेट हायरिंग एग्जैक्टली क्या है? फैक्ट्री के गेट पर हम एक वैकेंसी का, या फिर जो हमारे पास पर्टिकुलर जॉब है उसका एक पेपर हम लगा देते हैं, और जो भी एलिजिबल है वो आकर बेसिकली उसके लिए पूछताछ कर सकता है, इंक्वायरी कर सकता है, अप्लाई कर सकता है। मतलब फैक्ट्री के गेट के बाहर ही हमने वैकेंसी का जो नोटिस है वो लगा रखा है, और जो भी इंटरेस्टेड है वो बेसिकली इंक्वायरी कर सकता है एम्प्लॉयमेंट के लिए। इसको हम बोलते हैं गेट हायरिंग। तो ये आपके पास एक तरीके का विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट प्रोसेस है, जिसमें कंपनी की जो रिक्रूटमेंट की कॉस्ट है वो बच जाती है। तो गेट के बाहर से जो भी जाएगा वो बेसिकली उस पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई कर देगा। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। हाँ, फैक्ट्री गेट पर एम्प्लॉय नहीं आता, एम्प्लॉय तो अभी वो बनेगा, मीनू एम्प्लॉय नहीं है अभी, तो वो एक थर्ड पर्सन है जो अप्लाई करने आया है। एम्प्लॉय तो वो सिलेक्शन के बाद बनेगा, ठीक है? तो अभी वो एम्प्लॉय नहीं है, वो एम्प्लॉयमेंट के लिए आया है। थोड़ा सा अपनी लाइन को करेक्ट करेंगे।
मुझे नहीं लगता इस सवाल में कुछ डिस्कशन चाहिए। हाँ, जैसे हाउस के बाहर लिखा होता है लेट हाउस, लेट आउट, ये प्रॉपर्टी किराए के लिए है। तो आपने देखा होगा फैक्ट्री के गेट के बाहर ऐसे ही लिखा दिया जाता है, वेल्डिंग के लिए पोजीशन खाली है, या फिर आपके पास सिलाई मशीन के लिए पोजीशन खाली है। तो इस तरीके से फैक्ट्री गेट पर हम नोटिस लगा देते हैं, वो गेट हायरिंग कहलाता है। पारस, बिहेवियर एंकर्ड रेटिंग स्केल मेथड, बार मेथड आपका यूज होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल में। ऑन द बेसिस ऑफ द बिहेवियर हम बेसिकली एम्प्लॉई को रेट करेंगे ऑन अ पर्टिकुलर स्केल, वो आपका कहलाता है बिहेवियर एंकर्ड रेटिंग स्केल मेथड, जो परफॉर्मेंस अप्रेजल का पार्ट है। सक्सेशन प्लानिंग हमारा होता है, जब कोई इमीडिएट वैकेंसी अराइज होगी टॉप लेवल मैनेजमेंट में, तो कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए टॉप लेवल मैनेजमेंट में किसकी हायरिंग की जाएगी, वो आपका सक्सेशन प्लानिंग कहलाता है। प्लानिंग फॉर द सक्सेशन ऑफ द बिजनेस इन केस ऑफ एनी वैकेंसी, इन केस ऑफ एनी वैकेंसी इन द टॉप लेवल मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एनोनिमस, ठीक है, अभी हम इसको लास्ट में एक्सप्लेन करते हैं। कंट्री रिस्क रेटिंग, एफडीआई में हमारे पास ये टर्म आती है, अभी डिस्कस कर लेंगे। परफॉर्मेंस अप्रेजल हमारा ये पार्ट है। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, हाँ जी, बिजनेस मैनेजमेंट, ये मेरी स्क्रीन जा रही है या वॉइस भी जा रही है? हाँ, स्क्रीन का तो मैं देख रहा हूँ, लास्ट क्लास से इश्यू आ रहा है, मैंने इसको सही कराया था बट हुआ नहीं। लगता है इसका कुछ फिर से चेक करना पड़ेगा। हाँ जी पारस, ये वही है, एक कंट्री में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पॉलिसीज का चेंज होना, हमने पैसा लगा दिया, उसके बाद कंट्री में पॉलिसीज चेंज हो गई, कंट्री में टैक्सेशन का रेट चेंज हो गया, तो वो आपके पास पॉलिटिकल रिस्क, कंट्री रिस्क है, जहां पर हम एफडीआई की बात कर रहे हैं। ठीक है, हाँ जी, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आपका वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है जहां पर एक एम्प्लॉय या एक वर्कर दो सुपरवाइजर से ऑर्डर रिसीव करता है, और जहां पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। तो अगर दो सुपरवाइजर है तो वॉयलेशन है वन सुपरवाइजर वन वन बॉस वन डायरेक्शन का, तो आपके पास वॉयलेशन है किसका? यूनिटी ऑफ कमांड का। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक, सो दैट इज द वॉयलेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। यस अजीत, क्योंकि ऑर्डर रिसीव हो रहा है दो पार्टी से। अ रिव्यू इज हेविली इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एम्प्लॉय, एनी वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एम्प्लॉय हुज परफॉर्मेंस इज बीइंग रिव्यूड इज नोन एज। मतलब एक कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे हमने बोल दिया एम्प्लॉय ने पूरा साल अच्छे से काम करा है। अगर उसने साल के एंड में, आखिरी मंथ में कोई अच्छा काम करा, या आखिरी मंथ वो रेगुलर रहा, तो हमने कहा वो पिछले 11 के 11 महीने रेगुलर रहा है। जब इस तरीके की बेसिकली हम एज अ एचएम मैनेजर या फिर जो सुपरवाइजर है वो प्रेजम्पशन लेकर चलता है, तो ये एक तरीके का आपके पास परफॉर्मेंस अप्रेजल में डिफेक्ट है, जिसको हम बोलते हैं क्या? हालो इफेक्ट। सेंट्रल टेंडेंसी, जहां पर हम मेजॉरिटी ऑफ द एम्प्लॉय को एज अ एवरेज कंसीडर करके चलते हैं, तो वो आपका सेंट्रल टेंडेंसी एरर कहलाता है, ध्यान रखिएगा। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। एक पॉजिटिव करेक्टरिस्टिक के बेस पर सारी की सारी पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक को पॉजिटिव मान लेना, वो आपके पास कहलाता है क्या? दैट इज हालो इफेक्ट।
ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बेसिकली हमारे पास स्ट्रक्चर होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन किस तरीके से होगा, ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज किस तरीके से फिक्स की जाएंगी, ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से पावर को डेलीगेट किया जाएगा, तो काम करने का तरीका कैसा होगा ऑर्गेनाइजेशन में, वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। लाइन ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफ लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, तो ये सारा आपके पास ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का पार्ट है, ध्यान रखिएगा। ठीक, हाँ, स्क्रीन की दिक्कत मैं भी देख पा रहा हूं, बट जब स्क्रीन जाती है तो मैं थोड़ा सा साइलेंट हो जाता हूं। चार पांच क्वेश्चन बचे कर लेते हैं, देन उसके बाद ही करूंगा, ऐसा ना हो मैं कुछ चेक करूं और फिर स्क्रीन पूरी चली जाए, तो एक बार प्लीज थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। आई थिंक थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ रहा है, आई नीड टू चेक, बट एक बार हम क्लास कर लेते हैं, आई डोंट नो व्हाई। हाँ जी, प्रेस रिलीज, प्रेस रिलीज, रिलीज इन द प्रेस, दैट इज अ पार्ट ऑफ पब्लिक रिलेशन, क्रिएटिंग गुड पब्लिक रिलेशन, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ध्यान रखिएगा। सो प्रेस रिलीज इज अ पार्ट ऑफ ऑप्शन नंबर ए, दैट इज पब्लिक रिलेशन। Pricing strategy which urges the basic price to accommodate the differences in customer, products and location. मतलब वो पर्टिकुलर प्राइसिंग जो कस्टमर के हिसाब से एडजस्ट हो जाए, लोकेशंस के हिसाब से एडजस्ट हो जाए, प्रोडक्ट के हिसाब से एडजस्ट हो जाए, कस्टमर के इनकम ग्रुप के हिसाब से प्राइस एडजस्ट हो जाएगा या एरिया के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा, तो ऐसी प्राइसिंग को हम बोलते हैं क्या, डिफरेंशिएटेड प्राइसिंग, दैट इज द डिफरेंट डिफरेंट प्राइस टू बी चार्ज फ्रॉम द डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप ऑफ द कस्टमर अकॉर्डिंग टू द इनकम और रीजन और एनी अदर फैक्टर, इसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन प्राइसिंग, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। हां जी, पीएलसी कर्व, आई थिंक बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ऑलरेडी आपने पीएलसी कर्व पढ़ रखा है, और इनमें से कौन सा आपके पास पीएलसी का स्टेप नहीं है, लोकेशन खाली लिखा होता तो आंसर ज्योग्राफिकल बन जाता जगदीश, क्योंकि क्वेश्चन में लोकेशन भी लिखा है, प्रोडक्ट भी लिखा है, कस्टमर भी लिखा है, इसलिए ज्योग्राफिकल के बजाय हम आंसर देंगे ए, डिफरेंशिएटेड प्राइसिंग। जिन बच्चों ने पिछले सवाल का आंसर सी दिया था वो सही हो जाता अगर खाली लोकेशन वर्ड लिखा होता सवाल में, लेकिन सवाल में मल्टीपल पॉइंट्स लिखे थे इसलिए डिफरेंशिएटेड आपका आंसर प्रेफरेबल होगा। ठीक है, तो फर्क है क्वेश्चन की लैंग्वेज में जो आपने परसीव करी और जो एक्चुअल लैंग्वेज थी। तो इक्विलिब्रियम हमारे पास कोई स्टेज नहीं है, प्रोडक्ट का डेवलपमेंट होगा, फिर इंट्रोडक्शन होगा, फिर ग्रोथ होगी, फिर मैच्योरिटी होगा, फिर डिक्लाइन होगा, सो दैट इज द स्टेजेस वी हैव इन द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, इक्विलिब्रियम इज नॉट अ पार्ट। पोर्टर्स फाइव फोर्सेस मॉडल, इनमें से कौन सा पर्टिकुलर पोर्टर फाइव फोर्सेस मॉडल का पार्ट नहीं है, हाँ जी, पोर्टर की फाइव फोर्सेस, राइवलरी अमंग द करंट प्लेयर्स, थ्रेट्स फ्रॉम सब्स्टिट्यूट, एंट्री इजिली है या फिर इजिली नहीं है, इजिली एंट्री और रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, बार्गनिंग पावर ऑफ सप्लायर, बार्गनिंग पावर ऑफ बायर, तो आपके पास थ्रेट फ्रॉम सब्स्टिट्यूट है, कॉम्प्लीमेंट्री का पार्ट वहां पर नहीं आता फाइव फोर्सेस में, दिस इज नॉट अ फोर्स अंडर द पोर्टर फाइव फोर्सेस पावर ऑफ द पोर्टर मॉडल, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कौन सी फाइव फोर्सेस हैं ये आपने ध्यान रखनी है।
ग्लोबलाइजेशन इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन. आप फॉरेन ट्रेड से भी रिस्ट्रिक्शन हटाएंगे, इन्वेस्टमेंट से भी रिस्ट्रिक्शन हटाएंगे, ट्रेड को भी प्रमोट करेंगे, एफडीआई को भी प्रमोट करेंगे. आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी. तो हमें बेसिकली ग्लोबल इन्वेस्टमेंट को भी प्रमोट करना है और गुड्स के ट्रेड को भी एक्सपोर्ट करना है विदाउट एनी बैरियर. तो टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर और एफडीआई के बैरियर हम सबको यहां पर एक्सक्लूड करके चलेंगे. यस, लास्ट क्वेश्चन वी हैव. क्वेश्चन से ही आपको पता लग जाएगा इसका आंसर क्या होना चाहिए अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो. डैश इज विल्डेड बाय अ मैन्युफैक्चरर दैट थ्रेटनेंस टू विदड्रॉ अ रिसोर्स और टर्मिनेट अ रिलेशन इफ इंटरमीडियरी फेल्स टू स्किप. तो यहां पर आपके पास टर्म क्या आ रहा है, थ्रेटनिंग. मतलब वो यूज कर रहे हैं किसका, कोर्सिव पावर का. ये तो आपने लॉ में भी पढ़ा है, कोर्जन, दैट इज इलीगल. तो बट यहां पर वो उसके पास पावर है, वो उसका यूज कर रहा है, थ्रेटनिंग कर रहा है. तो यहां पर बेसिकली अगर एम्प्लॉई जो है वो पर्टिकुलर रिलेशनशिप को फॉलो नहीं कर रहा, फेल टू कॉपरेट है, फेल टू कॉर्पोरेट में कॉपरेट करने में फेलियर है, तो बेसिकली टर्मिनेट किया जा सकता है रिलेशनशिप को. सो दैट इज द यूज ऑफ द कोअर्सिव पावर बाय द मैन्युफैक्चरर. आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. हां जी, ये थे कुछ क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस करे. So, यही आपके पास एक बेसिक लेवल है. तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा एटलीस्ट आप 2017-18 से 2022 तक प्रीवियस ईयर जरूर करें, ताकि जो आपके पास नॉलेज है वो इंक्रीज हो और प्रैक्टिस क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा हो, ठीक है ना. बाकी हम क्वेश्चंस के साथ मिलते जरूर रहेंगे. कोई डाउट हो कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा, कोई टॉपिक की रिक्वायरमेंट हो कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा, कोई पर्टिकुलर टॉपिक या कुछ भी है वो जरूर बताइएगा. मेरे पास डिमांड आई थी विवाद से विश्वास एक्ट की, तो विवाद से विश्वास एक्ट हमारा नेक्स्ट वीक में कवर्ड हो जाएगा. डोंट वरी, नेक्स्ट वीक हम विवाद से विश्वास एक्ट जो इनकम टैक्स का उसे कवर्ड करने वाले हैं, जो आपका डिटेल में कवर होगा, ठीक है. लेजिटमेट मतलब जो पावर लॉ के अंडर दी गई है दर्शना. लेजिटमेट हेयर स्टैंड फॉर दी, लेजिटमेट हेयर स्टैंड फॉर दी पावर अंडर गिवन दी लॉ. तो लेजिटमेट का जो हम यहां पर यूज कर रहे हैं वो लॉ के रेफरेंस में कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा. रेफरेंट पावर जो है वो आपके पास बेसिकली टाइप ऑफ पावर है जो स्टेम करती है लीडर्स की एबिलिटी से टू इन्फ्लुएंस और इंस्पायर द अदर्स. तो ये आपके पास रेफरेंस पावर, दैट इज अ टाइप ऑफ पावर फ्रॉम द लीडर्स एबिलिटी टू इंस्पायर एंड इन्फ्लुएंस द अदर. जो लीडर के फॉलोअर्स हैं, फॉलोअर्स गेट इन्फ्लुएंस बाय द रेफरेंस ऑफ द लीडर, उसे हम बोलते हैं रेफरेंट पावर, ठीक है. यस, ओके जी. चलिए, तो डाउट सेशन कमेंट में जरूर बताइएगा, कोई भी पर्टिकुलर अगर टॉपिक की रिक्वायरमेंट होती है तो. थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम. बाय बाय, टेक केयर एवरीवन. सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिएगा. थैंक्स अ लॉट, टेक केयर एवरीवन. थैंक यू सो मच.